उसने शुभंकर घोष की बेटी पर हाथ डाला है, उसे तो जेल में सड़ाऊंगा मैं, जेल में। पापा देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो, शान मेरा पति है। तुम चाहे जितनी मिन्नतें कर लो, चाहे जितना रो लो, मैं शान को जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। हाँ, उसको यह समझना होगा कि उसकी लिमिट्स क्या है, किस खानदान से रिश्ता जोड़ा उसने। पहले सारी बातें क्लियर हो जाए, आगे जाके आसानी होगी बेटा। कम से कम तब तक, जब तक ये बात उसके दिमाग में नहीं बैठ जाती, तब तक जेल में सड़ता रहेगा वो। चलो हृदय, अब इस बाप बेटी के दाव पेच के बीच मेरे पुत्र को क्या सारी जिंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा? वाहे गुरु, कुछ चमत्कार कर, जल्दी मेरे पुत्र को बाहर निकाल। पता नहीं किस बात की सजा भुगत रहा है मेरा बच्चा, न जाने कैसा होगा मेरा शान। पर ये तो गलत है ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ बहुत ही, कोई तो तरीका होगा, वकील भी कुछ नहीं कर सकता, ये कैसा कानून बनाया? हृदय, ऐसे केसेस में ना बेल नहीं मिलती। आई नो इट्स वियर्ड, पर हमारे देश के कुछ ऐसे कानून हैं जो खासकर औरतों के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए। दुख की बात तो यह है कि नंदिनी जैसे औरतें ना इन कानूनों का फायदा उठाती है, तोड़ मरोड़ कर ना अपने फायदे के लिए ना मिसयूज करती है। उसने शान को गलत तरीके से फंसाया है, उसे उसकी भाषा में मैं जवाब दूंगी, सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा। हृदय, आप जो भी करेंगी ना, मैं आपके साथ हूँ। इस नंदिनी को ना, खैर, आदित्य ने बड़ी मुश्किल से दादा से मिलने के लिए 5 मिनट की परमिशन जुटाई है, चलिए। एक मिनट हृदय। क्या? चलो। अस्मिता, वो घर से खाना लेकर आई हो तुम्हारी, खिला दो। तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। तू जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह
पता नहीं किसकी एक ही सजा भुगत रहे दोनों। साथ हैं फिर भी तड़प रहे एक दूसरे के लिए। अब और नहीं, अब मैं उन्हें स्ट्रगल नहीं करने दूंगा। दादा और बॉडी को मिलवा कर रहूंगा। नंदिनी को कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। नंदिनी ये आप ये क्या कर रही हैं? नंदिनी आप यहाँ क्यों बैठी हैं जमीन पर? और ये क्या खा रही हैं आप? सर ये रोटी और प्याज क्यों खा रही हैं आप? पत्नी होने का धर्म निभा रही हूँ। हाँ जेल में शान भी ऐसे जमीन पर बैठकर रूखा सूखा खाना खा रहा होगा। ये सोचकर कि शान कितनी तकलीफ में होगा मुझे बहुत दुख होता है। मैं भले शान का दुख बांट नहीं सकती, मैं उसकी तकलीफ समझ नहीं सकती, लेकिन मैं उसकी तकलीफ को महसूस तो कर सकती हूँ ना। सुख दुख में हमेशा साथ देंगे, ऐसा फेरे लेते वक्त वादा लिया था मैंने। मैं और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम जो कर सकती हूँ उतना तो कर रही हूँ। आखिर शादी की है हमने, रिश्ता निभाना तो पड़ेगा ना। हे भगवान, अरे आप सब लोग देखिए कितनी अच्छी लड़की मिली शान को। हाँ और एक शान है, उसको इसकी कदर ही नहीं। काश वो समझ पाता कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ इतना बदसुलूकी कभी ना करता। लेकिन क्या करे, उसकी आंखों में उस अस्मिता नाम की चूहिया ने अपनी प्यार की पट्टी जो पड़ा रखी है। इस अभागन का नसीब तो देखिए, अपने पति को छुड़ा नहीं पा रही है क्योंकि अपने पापा के आगे मजबूर है। एक तरफ पति है और दूसरी तरफ पिता है, आखिर किसकी बात माने? वरना ये अपने पति को छुड़ाए बगैर रहती क्या? देखो तो कैसी हालत हो गई है इसकी, फिर भी अपना पत्नी धर्म निभाए जा रही है। मैडम आपका मिस्टर स्टोरूम में लगा दिया है, अगर आपको चाहिए तो टेबल फैन भी लगा देता हूँ। नहीं मुझे कोई टेबल फैन नहीं चाहिए, मैं बिना पंखे के सोऊंगी। ये क्या बोल रही हैं आप? आप भला स्टोरूम में क्यों सोएंगी सर? ये क्योंकि शान भी वहां जेल में जमीन पर ही सो रहा होगा। वो वहां उस हालत में और मैं अपने कमरे में बिस्तर पर सोऊं, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती मैं। नंदिनी आप सब लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी लड़की है नंदिनी, कितना प्यार करती है अपने पति से। और एक वो है, मुझे तो लगता है जब तक शान अस्मिता के पीछे लट्टू होके घूमना बंद नहीं करेगा तब तक इस प्रॉब्लम के कोई सलूशन ही नहीं निकलेगा। सारे फसाद की जड़ है इन दोनों की दोस्ती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस वक्त था जब इन दोनों की दोस्ती हुई थी, पर आज इस दोस्ती के लिए ही शान को जेल जाना पड़ा। सड़ेगा वो उधर, उड़ाओ और गुलछर्रे उड़ाओ। मौसमी Oh!
जो किया है उससे बेहुदा तो हरगिज नहीं। एनीवे, मेरे पास ना तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर आती हूँ। मैं बस ये बताने आई थी कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन? हाँ, मेरे शांतनु को बाहर निकाल ले। अच्छा, और ये बात तुम मुझे बताने आई? क्यों? इसलिए कि सोए हुए पर या पीठ पीछे व्यवहार नहीं करती, इसलिए सामने से बताने आई हूं नंदिनी। शान पर तुम्हारा सारा हक, सारी अकड़ अब चकनाचूर होने वाली। नंदिनी, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ हार ही हार है, चाहे तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है ना कि शान के जेल जाने से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गई हो तुम, होश खो बैठी हो तुम अपने। नंदिनी, होश मैं नहीं, तुम खो बैठोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि इस फाइल में क्या है। अच्छा, लाओ दिखाओ, दिखाओ मुझे क्या है इस फाइल में। इस फाइल में शान और मेरी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है। नंदिनी, ये बहुत पहले का है, और इससे ये साबित हो जाता है कि तुम्हारी और शान की शादी गैर कानूनी है। दरअसल शान मेरा पति है, पत्नी हूं मैं उसकी, कोई दूसरी औरत नहीं नंदिनी। बस एक बार पुलिस स्टेशन जाकर सबके सामने बस ये दिखा दूं ना, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये भी साबित हो जाएगा कि जब शान की याददाश्त चली गई थी तो धोखे से तुमने उसके साथ शादी की। फिर क्या, मैं एक पुलिस वाली हूं, खुद तुम्हें अरेस्ट करूंगी और खुद ही तुम्हें जेल में डालूंगी। नंदिनी, इतना आसान नहीं है अस्मिता मजुमदार। तुम्हें पता है आजकल लड़कियों की सेफ्टी के लिए कई सारे कानून निकले हैं, और फिर तुम तो एक पुलिस वाली हो, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि मैंने शान पर फिजिकल अब्यूज यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है जिसमें बेल भी नहीं मिलती, राइट? और तुम ये कैसे प्रूव करोगी कि ये सब कुछ शान ने नहीं किया? मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, मेरा झूठा केस भी तुम्हारे सच्चे केस से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम्हें शान के लिए इतना दुख हो रहा है ना, हाँ, तो तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जितनी चालें चलनी है चलो, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब तक मैं नहीं चाहती ना, तब तक शान जेल से बाहर नहीं आ सकता, समझी? वैसे हाँ, एक और आइडिया है, तुम दूसरा आइडिया अपना सकती हो। वैसे रिस्क तो उसमें भी है, लेकिन क्या करे, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है। ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, ये तुम मुझे दे दो। क्यों? एक बार इस मैरिज सर्टिफिकेट को तुम्हारे सामने जला दूं, उसके बाद मैं फिर डिसाइड करूंगी कि मुझे केस वापस लेना है या नहीं, समझी? कोई बात नहीं नंदिनी, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। इनफैक्ट नंदिनी, मैं तो ऑलरेडी कर चुकी हूं, और उसके लिए तुम्हें दिल से थैंक यू। ये मेरा झूठा केस भी तुम्हारे सच्चे केस से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब तक मैं नहीं चाहती ना, तब तक शान जेल से बाहर नहीं आ सकता। क्या बकवास है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जी बकवास नहीं है, ये वही बातें हैं, और सारा का सारा इस फोन में रिकॉर्ड हो गया। तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया नंदिनी, तुमने क्या कहा, शान पर झूठा केस डाला है। यू नो व्हाट, बस इतना ही सबूत काफी है शान को जेल से बाहर निकालने के लिए। अस्मिता, फोन दो। मैंने बोला फोन दो, फोन। हाथ छोड़ो। मेरी बात सुनो,
ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है बस तुम देखती रहना। तुम्हारी खुद की हरकतें तुम पर भारी पड़ने वाली है। नंदिनी संभल जाओ नंदिनी, वरना बहुत बुरा। छोड़ो, रुको, फोन दो। नहीं नंदिनी, फोन दो मेरे रास्ते से। फोन दो, अस्मिता, रुको, अस्मिता रुको, दरवाजा खोलो, अस्मिता दरवाजा खोलो। ये खाली कागज सिर्फ जुर्म कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया था। अस्मिता तुम क्या कर रही हो अपने साथ, अपने फर्ज के साथ? इतनी पागल हो गई प्यार में कि कुछ और नहीं दिखा तुम्हें? पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा है पता है तुम्हें? तुम ऑलरेडी पहले एक बार सस्पेंड होकर वापस आई हो ड्यूटी पर, और तुम पहले एक बार सस्पेंड हो गई थी। प्लीज इस बार रिस्क मत लो, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। आदित्य शान बेगुनाह है, ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। कुछ भी करके मुझे शान को जेल से निकालना है, दैट्स इट। किस हद से करोगी ये और किस हद तक? किस हद तक मैं जा सकती हूँ ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस एक बार मैं शांतनु को इस जल्दी से निकाल दूँ, उसके बाद मैं ड्यूटी पर ध्यान दूंगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आदित्य फिलहाल मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई एम इन अ हरी, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी। अस्मिता क्यों हर बार कुछ ऐसा करती हो अस्मिता, कि अच्छे ऑफिसर पर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, घर इज्जत नौकरी किसी चीज की परवाह नहीं इस लड़की को। कैसे कैसे समझाओ तुम्हें कि तुम्हारे और शान के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसका खामियाजा से तुम्हें भुगतना पड़ता है। ये सब क्या बकवास है? सर प्लीज आप ये सब बंद करवाइए, मेरे पास नंदिनी के खिलाफ सबूत है। सर प्लीज आप ये सब बंद करवाइए, मेरे पास नंदिनी के खिलाफ सबूत है। सर ये नौटंकी कर रही है। सर मैं कह रही हूँ सर, आप मेरी बात मानिए। जो अरे आप कैसी औरत हैं, इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं? देख नहीं रही हैं पत्नी अपने सुहाग के लिए किस हद तक जा रही है? इंस्पेक्टर साहब क्या मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? जी मिस्टर शान, बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारी बीवी तुम्हें इतना प्यार करती है। देखो अब सुधर जाओ, सीखो अपनी पत्नी से, जिस पति को जूते से पीटना चाहिए उसकी पत्नी आरती उतार रही है। ये होती है भारतीय नारी। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए, कि चाहे जैसे भी है तो मेरे पति ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इनकी कोई गलती नहीं है, वो तो इस लड़की ने इन्हें पट्टी पढ़ाई है, इनका ब्रेन वॉश किया है। सर मैं कह रही हूँ सर, ये नंदिनी झूठ बोल रही है। सर मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। सर ये नकली पतिव्रता औरत ने ना खुद कन्फेस किया है। सर भी सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, ये सुनिए, मेरा झूठा केस भी तुम्हारे सच्चे केस से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब तक मैं नहीं चाहती ना तब तक शान जेल से बाहर नहीं आ सकता। एक बार इस मैरिज सर्टिफिकेट को तुम्हारे सामने जला दूं, उसके बाद मैं फिर डिसाइड करूंगी कि मुझे केस वापस लेना है या नहीं।